हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। हम एम पे बोर्ड क्लास सेवन्थ इंग्लिश के लेसन थ्री द वाइस मैन सेकंड के क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। तो आप अपने नोटबुक ओपन कर लें और मेरे साथ के क्वेश्चन को चेक करते जाएं। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम इस चैनल में इस वीडियो में आपको बताएंगे द वाइस मैन सेकंड, द वाइस मैन सेकंड। इसमें इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो आप मेरे साथ इसके क्वेश्चन आंसर एक एक देखते जाएं। क्वेश्चन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ठग्स आस्क भोला, यानी कि ठगों ने भोला से क्या पूछा। व्हाट डिड द ठग्स आस्क भोला, यानी ठगों ने भोला से क्या पूछा। तो इसका आंसर देखेंगे। आंसर नंबर वन, द ठग्स आस्केड भोला इफ ही वुड सेल हीज मैंगो। बरोड़ देखेंगे, द ठग्स आस्केड भोला इफ ही वुड सेल हीज मैंगो, ने ठगों ने भोला से पूछा कि क्या वह अपने आम बेचेगा। क्या पूछा उनने ठग ने उससे, जब ठग उसको बाजार में मार्केट में मिले तो ठगों ने भोला से क्या पूछा। ठगों ने पूछा कि क्या यह आम आप मुझे हमें बेचोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोस, यानी कि क्या भोला आम बेचने के लिए तैयार हुआ। आंसर क्वेश्चन क्या पूछ बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोस, यानी क्या भोला आम बेचने के लिए तैयार हुआ। आंसर देखेंगे, नो यानी नहीं, भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगो, यानी नहीं, भोला हरे आम बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर टू का आंसर, भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज ने नहीं हुआ, नहीं भोला हरे आम बेचने को के लिए तैयार नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है डिड भोलाज वाइफ लाइक चटनी, एक बार और देखेंगे, डिड भोलाज वाइफ लाइक चटनी, यानी क्या भोला की पत्नी चटनी पसंद करती थी। तो आंसर हो जाएगा यस, भोलाज वाइफ लाइक्ड चटनी वेरी मच, यानी हाँ भोला की पत्नी चटनी बहुत पसंद करती थी, या भोला की पत्नी को चटनी बहुत पसंद थी। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, व्हाट वाज द बेट यानी शर्त क्या थी। तो हम इसका आंसर देखेंगे, आप मेरे साथ इसको देखते जाएं। What was the bet? तो आंसर है the two thugs made a bet with Bhola that they would give him 1000 rupees if his wife does not get angry with him for bringing mangoes in exchange of a horse and Bhola would pay them the same amount if she goes against his decision। यानी कि दो ठगों ने भोला से शर्त लगाई कि वे भोला को 1000 रुपये देंगे
अगर उसकी पत्नी उस पर एक घोड़े के बदले में आम ले जाने पर क्रोधित नहीं होगी और भोला उन्हें उतनी ही रकम देगा अगर वह उसके निर्णय के विरुद्ध गई। उनके दोनों के बीच में क्या शर्त, ठगो और उसके बीच में क्या शर्त लगी थी कि जब घोड़ा बेचने भोला घोड़ा बेच कर गया तो वो ठग यूँ बोल रहे थे उससे कि आप अगर घर जाओगे और आपकी पत्नी अगर आप पे नाराज़ नहीं हुई, आपने घोड़ा के बदले आम लेके आए, तो हम आपको 1,000 रुपये देंगे, और यदि आपके विरुद्ध या आप पर नाराज़ हुई हुई तो आपको 1,000 रुपये हमको देने पड़ेंगे। ये उनके बीच में शर्त लगी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हु ऑन द बेट, यानी हु ऑन द बेट, शर्त कौन जीता। तो भोला ऑन द बेट, यानी शर्त भोला जीता। कौन जीता था? शर्त भोला। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी, यानी भोला ने पैसे खर्च करने की क्या योजना बनाई। तो भोला प्लान टू बाय अनदर हॉर्स विथ द मनी, यानी भोला ने पैसों से एक दूसरा घोड़ा खरीदने की योजना बनाई। भोला प्लान टू बाय अनदर हॉर्स विथ द मनी, यानी कि उसने उस उन पैसों शर्त के पैसों से एक नया घोड़ा या दूसरा घोड़ा खरीदने का प्लान या योजना बनाई। उसके बाद में हम देखेंगे इसके करेक्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। तो सही विकल्प देखेंगे इसमें, वेयर डिड भोला मीट द ठग, यानी कि वेयर डिड भोला मीट द ठग, भोला ठगों से कहाँ पर मिला था। तो भोपाल, विलेज, मार्केट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोला कहाँ पर मिला था ठगों से, या ठग भोले भोला को कहाँ पर मिले थे, मार्केट में। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केट। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट डिड द ठग्स से टू भोला, इन्हें ठगों ने भोला से क्या कहा। तो टू हैव ए बेट, इन्हें शर्त लगाओ, टू थ्रो द मैंगोज, इन्हें आम फेंकने को कहा, टू सेल द मैंगोज, इन्हें आम बेचने को कहा। तो ठग जब भोला को ठग मिले थे तो उन्होंने उससे क्या बोला था, तो टू सेल द मैंगो, यानी आम बेचने को, क्या कहा था उन्होंने, आम बेचने को। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, हाउ मच मनी वाज अफ्रेड अफ्रेड इन द बेट, शर्त में कितना पैसा लगाया गया, यानी शर्त कितने की लगी थी। ए 100 रुपीस, बी 10,000 रुपीस, सी 1,000 रुपीस। तो शर्त कितने की लगी थी, 1,000 रुपये की शर्त लगी थी। तो आंसर हो जाएगा 1,000 रुपीस, यानी 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। नेक्स्ट देखेंगे, फोन नंबर, विथ होम डीड भोला रिटर्न होम, भोला घर किसके साथ लौटा। तो द ठग्स, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, तो वो किनके साथ लौटा था, द ठग्स किनके साथ लौटा था वो घर पर, द ठग्स यानी ठगों के साथ। ऑप्शन नंबर नंबर 5 देखेंगे, डिड द ठग्स सक्सीड इन देयर प्लान, क्या ठग अपनी योजना में कामयाब हुए। तो ठग क्या अपनी योजना में कामयाब हुए थे, तो नो नो यस आई एम नॉट श्योर, तो वो कामयाब नहीं हुए थे, यानी नो। नेक्स्ट देखेंगे हम, वर्ड पावर, द मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट
नाव में इस देश ने आमों को फलों का राजा कहा जाता है, अब इन्हें मिलाइए। तो द क्वीन ऑफ सतपुरा, यानी कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ये मैच है, मैच देखेंगे तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? द ताजमहल, द नर्मदा, लाइन, पंचमढ़ी या केमल? तो सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी। फिर है द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल का राजा कौन होता है? तो लायन। क्या हो जाएगा? लायन। फिर है द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो द नर्मदा। क्या जाएगा? द नर्मदा। फिर है ए ड्रीम इन मार्बल, ए ड्रीम इन मार्बल, तो इसमें क्या जाएगा? यानी कि मार्बल, एक मार्बल से क्या बना है? तो हम इसमें आ जाएगा द ताजमहल, द ताज महल। द शिप ऑफ द डिजर्ट यानी मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? तो मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? केमल। तो इसमें आ जाएगा केमल। तो ये इसके इसके मैच हो गई। अब हम इसमें देखेंगे पिक द ओड वर्ड आउट द इन सर्कल, यानी इन वाक्यों से अलग वाक्य पर हमको क्या करना है? सर्कल करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है मैन, जेंटलमैन, सर, तो मैन यानी आदमी, जेंटलमैन यानी सज्जन पुरुष, और सर यानी भी एक शिक्षक, और यहाँ पर लिखा है मैडम, तो मैडम एक, ये तीनों क्या हो गए? मेन हो गए और ये वुमेन हो गए। तो यहाँ पर मैडम पर इन सर्कल करना है, तो हम इस पर सर्कल कर देते हैं। फिर है गर्ल, लिटिल फेरी, लिटिल क्वीन और बॉय। तो यहाँ पर गर्ल, लिटिल फेरी यानी एक छोटी परी, लिटिल क्वीन यानी एक छोटी रानी, और बॉय, तो यहाँ पर इनसे अलग क्या है? तो बॉय। मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज, तो यहाँ पर अलग इनमें से चारों में से अलग नाइफ है, क्योंकि ये मैंगो, एप्पल और ऑरेंज ये फ्रूट है और नाइफ चाकू है। ठग्स, ठग, थीप, रॉबर, तो ठग यानी लुटेरे, थीप यानी चोर, रॉबर यानी डकैत, और कांस्टेबल यानी पुलिस, तो यहाँ पर कांस्टेबल इनसे अलग है। स्माइल, लव, चुकल्स, वीप, तो यहाँ पर तीनों एक जैसे हैं, जैसे स्माइल करना हंसना, लव यानी हंसना, चुकल यानी मुस्कुराना, वीप यानी रोना, तो यहाँ पर वीप अलग हो जाएगा। फिर इसके मेज देखेंगे, मेज द टू कॉलम ए और बी, ए हॉर्स, तो ए हॉर्स, इनके हमको क्या मिलाना है? इनके जो आवाज़ कैसे निकालते हैं ये, इन आवाज़ कैसे, इनका साउंड कैसे निकालते हैं? तो हॉर्स क्या करता है? नेफ, इसमें हो जाएगा नेक्स, ठीक है, तो इसका एक ए हॉर्स नेफ्स ही कर। फिर ए डंकी, तो ए डंकी यानी गधा, गधा कैसे क्या करता है? तो गधे का हो जाएगा ब्राइस। क्या हो जाएगा? ब्राइस भोंकता है। क्या करता है गधा? भोंकता है। फिर है ए ए केट, तो केट क्या करती है, कैसी साउंड क्रिएट करती है? तो केट म्याऊ, कैसी साउंड क्रिएट करती है? म्याउस। फिर है ए डॉग, डॉग क्या करता है? डॉग कैसे साउंड क्रिएट करता है? बार्क्स यानी भौंकता है। ए लायन, ए लायन, ए लायन कैसे साउंड क्रिएट करता है? रोर्स यानी दहाड़ता है। ए सीप, एक भेड़, भेड़ कैसी आवाज़ क्रिएट करती है? तो ब्लेट्स यानी मिमियाना, मिमियाती है। तो ये इसके मैच हो गई। अब हम इसके ग्रामर्स देख लेते हैं। ग्रामर्स में देखेंगे हम कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग टू और फोर, निम्नलिखित वाक्यों में टू या फोर लगाकर वाक्यों को पूरा करना है, ठीक है? तो आप मेरे साथ इसको
इसमें देखेंगे द मेड ए प्लान डिसीव हिम, तो इसमें आ जाएगा टू, क्या जाएगा टू, फिर है द मैंगोज आर माई वाइफ, तो फोर किसके लिए, नहीं उसकी पत्नी के लिए, फिर है सी ऑलवेज एग्रीज माई डिसीजन, तो टू यानी मेरे डिसीजन से, तो टू आ जाएगा, फिर है यू विल पे द सेम अमाउंट अस, तो यानी कि यू विल पे यानी तुम हमको भी सेम अमाउंट यानी समान राशि दोगे, तो से, फिर वाट सॉरी हीज वाइफ वाज वेटिंग हर हस्बैंड, तो इसमें आ जाएगा फोर, किसका वेट कर रही थी वो, अपने हस्बैंड के लिए, आई सॉरी वाट हैव यू ब्रॉट मी, तो इसमें भी फोर आ जाएगा, आई सोल्ड द हॉर्स ए डंकी, तो इसमें आ जाएगा फोर, आई सोल्ड आई एक्सचेंज एक्सचेंज द डंकी ए सीप, यानी कि उसने क्या करा, अब चेंज कर दिया या बदल दिया डंकी को एक सीप से, तो इसमें भी फोर आ जाएगा, ए हैन इज चीपर फीड देन ए सीप, तो इसमें भी टू यानी उसने सस्ती यानी एक सस्ती मुर्गी को या एक सस्ती मुर्गी से अपनी हैन को बदल दिया, फिर है आई सेल यूज मनी बाय अनदर हॉर्स, तो इसमें टू आ जाएगा, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर मीनिंग क्वेश्चन आंसर हमने देखे हैं, ठीक है। इसके बाद में आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं।